गाइस वेल एवरीवन, आज है जी 19th ऑफ अगस्त। और आज के करंट अफेयर सेशन यानी 17, 18, 19 तीन दिन के करंट अफेयर सेशन में आप सबका वेलकम है। आप प्रॉपरली ये सारे वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। हर सेशन को ध्यान से कम्प्लीटली वॉच कीजिए, प्लीज़ वॉच एंड लिसन एवरी सेशन विद केयरफुली ऑन डेली बेसिस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में भी नौरोज या पारसी दिवस यानी पारसी वर्ष का पहला दिन कब मनाया गया है? तो 17 अगस्त को। पारसी नववर्ष की शुरुआत होती है 17 अगस्त से और इसको नौरोज या पारसी दिवस या पारसी नववर्ष दिवस कहते हैं। इसका जो है पारसी नववर्ष दिवस या पारसी दिवस या नौरोज दिवस, ये 17 अगस्त क्यों मनाया जाता है कि पारस के राजा जो थे जमशेद, उन्होंने इस दिन सिंहासन ग्रहण किया था, सिंहासन, इसीलिए उनकी याद में ये मनाया जाता है पारसी दिवस 17 अगस्त को। 16 अगस्त को भी एक डे मनाया गया है, आप गूगल पे देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, ठीक है? आपको मेरी वॉइस सुन के लग रहा होगा मेरी 3 दिन से तबीयत ख़राब है और आप लोगों के वीडियोस के फीडबैक भी नहीं आए थे, इसीलिए सेशन पोस्ट नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन है, हाल ही में भारत थाईलैंड आयोग की संयुक्त नवी बैठक सॉरी भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की नवी बैठक यानी इंडिया एंड थाईलैंड यूनाइटेड कमीशन की 9th नंबर की जो समिट है, 9th समिट, वो कहाँ आयोजित होगी? तो ये बैंकॉक में। बैंकॉक किसकी कैपिटल है? थाईलैंड की। और थाईलैंड की बैंकॉक थाई बहत करेंसी है और थाईलैंड के प्रेसिडेंट का नाम तो मैंने आपको बहुत ही बार बताया है, बताइए जल्दी कौन है, बहुत सारी बार बता चुकी हूँ मैं इनका नाम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेक इंडिया नंबर वन मिशन किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने शुरू किया है? तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने मेक इंडिया नंबर वन मिशन शुरू किया है और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से शुरू किया है। इसमें शिक्षा रोज़गार कृषि और बेरोज़गारी पर फोकस किया जाएगा। तो क्या नाम है इसका? मेक इंडिया नंबर वन मिशन, दिल्ली के तालकटोरा और अरविंद केजरीवाल साहब ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम रूटो ने किस देश के न्यू प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है? तो ये जीता है कीनिया। जी हाँ, अभी तक के प्रेसिडेंट है यू केन्याता, लेकिन नए प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है विलियम रूटो ने और किनिया के अब ये नए प्रेसिडेंट होंगे। और वैसे कैपिटल नैरोबी है और किनियाई शिलिंग भी कहते हैं, ये करेंसी है, ठीक है, किनिया की। वैसे प्रयुत चान ओचा हैं थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, प्रयुत चान ओचा हमेशा है। क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड ने कितने बैडमिंटन प्लेयर्स को इंडिया के अंदर अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है? तो चार बैडमिंटन खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मास्टर कार्ड ने। इनमें चिराग शेट्टी हैं, सात्विक साई और केदांबी श्रीकांत हैं और एक और मेरे दिमाग से कोई रह गया है, तो ये चार हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है इन्हीं को मास्टर कार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाँ, एक और ये है, फिर भी बताती हूँ, लक्ष्य सेन। तो दोबारा सुन लीजिए, लक्ष्य सेन सात्विक साई, राजनिकी रेड्डी, एक हो गए केदांबी श्रीकांत, तीन और एक चिराग शेट्टी, चार हैं ये, ठीक है, जो मास्टर, चारों के नाम रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीर दुर्गादास राठौर जी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? आप वीर दुर्गादास इतना ही याद रखें, वीर दुर्गादास जी की प्रतिमा का अनावरण किसने और कहाँ किया है? तो जोधपुर राजस्थान में। अभी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जोधपुर में मारवाड़ी योद्धा
वीर दुर्गादास जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और वीर दुर्गादास जी की ये 385वीं जयंती है, 385th जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया है? पहला मानव कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया है? तो पहली बार 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया, मतलब कौन सा मानव कॉर्निया, 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया, ये विकसित किया गया हैदराबाद में। कहाँ विकसित किया है, डेवलप हुआ है? हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजलान शाह कप का आयोजन अभी कहाँ किया जाएगा? तो अजलान शाह कप ये बहुत फेमस है, 2022 का अजलान शाह का कप अभी आयोजित किया जाएगा मलेशिया में। कहाँ? मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिगेट। और इस्माइल साबरी याकूब ये प्रेसिडेंट है किसके? मलेशिया के। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने सभी गेम प्लेयर्स जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं इनको 2% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक राज्य सरकार अब प्लेयर्स को 2% का रिजर्वेशन देगी। आपको पता है ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती होने की अनुमति भी दी कर्नाटक हाई कोर्ट ने, ये मैंने आपको बहुत बताया था जब ये मुद्दा हाईलाइट था और अनुमति मिली थी तो बताया था मैंने, है ना। और कर्नाटक की बात करें तो अभी पुंडकोटि दत्त योजना गाय गोद लेने के लिए शुरू हुई थी, आपको बताया था मैंने, है ना। और यहाँ पर अपनी तरह का एक ब्रेन हेल्थ क्लिनिक खोल रहा है, ये भी बताया था मैंने कर्नाटक में। और बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं मैंने कर्नाटक के। बेंगलुरु कैपिटल है, यहाँ पर यक्षगण डोलू कुरिंदा बहुत फेमस डांस है। वैसे यहाँ कृष्णा राज सागर कावेरी रिवर पर है, अलमाटी कृष्णा रिवर पर है। और जो वाटरफॉल्स के जीर्णोद्धार का निर्णय फिक्स कर दिया गया है श्रावती रिवर पर है। और यहाँ पर थावरचंद गहलोत गवर्नर हैं, बसवराज मुंबई ये चीफ मिनिस्टर हैं। और अंधेरी दांदेली और अकाली टाइगर रिजर्व है। और वनरगाटा बांदीपुर कुद्रेमुख नगरहोल अंशी नेशनल पार्क हैं, याद रखना ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी IFFM में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसको दिया गया है? IF इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न, ये IFFM में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है जी, किसको? तो रणवीर सिंह को। और सर्वश्रेष्ठ मूवी रही है कौन सी? रही है 83। कौन सी? 83, ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, केबिन ओ ब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ये किस देश के क्रिकेटर हैं? केबिन ओ ब्रायन, इन्होंने संन्यास यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ये किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये हैं आयरलैंड के। किसके? आयरलैंड। और आयरलैंड से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया गया था, मैंने आपको बहुत बार बताया, नीति के निर्देशक तथ्य यानी DPSP। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र किस राज्य में भी शुरू किया गया है? कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र किस राज्य में किया गया? तो पंजाब के संगरोल में। ये एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र है, इसे एशिया का सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र को कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र को पंजाब के संगरोल में शुरू किया गया है। आपको पता है कि भगवंत मान और पंजाब के मैंने बहुत से इनिशिएटिव बताई, एक विधायक, एक पेंशन और भी मैंने बताया, फिजिकल स्टैम्प को बैन कर दिया गया। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, चंडीगढ़ कैपिटल है, आपको ये बातें याद रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कर्नाटक का भी एक चीज़ रह गई, मट्टू रवि फ़िलहाल एकलौता संस्कृत भाषियों का गाँव है जो कर्नाटक में शिमोगा ज़िले के पास है। और वैसे उत्तराखंड सरकार हर ज़िले स्तर पर एक गांव संस्कृत भाषियों का गांव डेवलप करेगी, ये आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स इनकी बायोग्राफी यानी पुतिन व्लादिमिर पुतिन की जीवनी ये किसने लिखी है?
पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स। ये व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी यानी जीवनी किसने लिखी है? तो ये लिखी है फ्लिप शॉर्ट ने लिखी है व्लादिमीर पुतिन की जीवनी। कौन सी? पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर सिटीजन्स के लिए एक प्लेटफॉर्म मैत्री किसने शुरू किया है? सीनियर सिटीजन्स के लिए नया प्लेटफॉर्म मैत्री किसने शुरू किया है? तो ये रतन टाटा जी ने। देखिए, हर पीढ़ी के लोगों को उनकी उम्र के लोगों से दोस्ती करने का हक है कि वो अपने दोस्त बना सकें ताकि ज़िंदगी कुछ बेहतर हो सके, बढ़ सके, और वो अपने दिल दोस्ती में इंसान अपने दिल की बात शेयर कर लेता है। तो इसीलिए एक मैत्री नाम का फ्रेंडशिप प्लेटफॉर्म डेवलप किया है रतन टाटा जी ने। और रतन टाटा जी ने डेवलप किया और उसका नाम क्या है? मैत्री। और ये किसके लिए? सीनियर सिटीजन्स के लिए। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी, अंडर 16 वर्ग की पहली महिला हॉकी लीग, याद रखना, वो अंडर 16 वर्ग की है, जो मैंने परसों क्वेश्चन बताया नई दिल्ली में आयोजित होगी महिला हॉकी लीग। तो अंडर 16 वर्ग की महिला हॉकी लीग है वो, जो अभी आयोजित होगी नई दिल्ली में। अब एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी स्कूल स्वच्छता शिक्षक कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? स्कूल स्वच्छता शिक्षक कार्यक्रम पहल है ये, तो स्कूल स्वच्छता शिक्षक पहल क्या है? इनिशिएटिव है, पहल है, तो स्कूल स्वच्छता शिक्षक पहल, याद रखना, दोबारा बता रही हूँ, स्कूल स्वच्छता शिक्षक पहल, इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने स्कूल स्वच्छता शिक्षक पहल को शुरू किया है। और इसमें ये टारगेट है कि बच्चों को हाइजीन के प्रति जागरूक किया जाए, उन्हें स्वच्छता के प्रति पूरी तरह जागरूक किया जाए, तो उनकी लाइफ हेल्दी एंड सेफ एंड प्रोग्रेसिव हो। तो उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है जी, कैपिटल तो देहरादून हो गई। अच्छा, गैरसैंड समर कैपिटल है, पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। जिम कॉर्बेट सबसे पहला यानी भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, इसका पूर्व नाम हेली है, थोड़ा सा हल्का कर लो भाई लोग, और हेली है। और दूसरी बात, ये फूलों की घाटी यहीं पर है, फूलदेही महोत्सव मनाया जाता है यहीं पर, हरेला पर्व मनाया जाता है वहीं पर, फूलों की घाटी यहाँ है। तो शांत घाटी केरल में है, राजा जी नंदा देवी गोविंद पंत ये यहाँ पर नेशनल पार्क हैं। और आपको बता दूँ, पहला अरुमिक गार्डन यहीं मिला, इसको मिला था उत्तराखंड को। और पहला जो है, जो ओपन एयर फर्नरी है, वो भी अल्मोड़ा उत्तराखंड में बनी थी, ठीक है ना। और क्या बताऊँ, पहला हर्बल गार्डन सेटअप भी उत्तराखंड को मिला। अच्छा, यहाँ पर रानीखेत में हिमालयन मसाला उद्यान शुरू हुआ है, ऑपरेशन मुक्ति को प्रारंभ किया गया है, पुनः शुरू किया गया। और यहाँ पर उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना ये चल रही है। तो अब देखिए, हाँ एक बात और, ये जो मैंने आपको बताया एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र पंजाब के संगरूर ज़िले में शुरू किया गया है, मतलब शुरू किया गया है, संचालन अब इसका शुरू हो गया। ये तो बने ही सबसे बड़ा, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा है, और अब इसका रेगुलेशन यानी संचालन शुरू कर दिया गया है। एक क्वेश्चन ये है, मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है, एक्चुअली मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। और ये छात्रों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने के लिए शुरू की है राजस्थान राज्य सरकार ने। अभी आपको बताया था कि वीर दुर्गादास राठौर जी की प्रतिमा, बताया था जोधपुर में, और आपको बताया सैंड आर्ट पार्क बन के तैयार हुआ है। और यूरेनियम में झारखंड आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा राज्य है जिसने प्रवेश किया है यूरेनियम खनन में, बताया था ना आपको। और पहला महिला सहकारी बैंक बन रहा है राजस्थान में। स्वास्थ्य विधेयक पारित हुआ है राजस्थान की विधानसभा में, ये सब तो मैंने आपको बताया ना। जयपुर कैपिटल अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्र गवर्नर हैं। और जो है जयपुर में पहला अंगदाता स्मारक बन रहा है, और स्टैचू ऑफ पीस कहाँ, पालेस डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, कलराज मिश्र हाँ गवर्नर ने बता दिया है। और
कलराज मिश्रा। अच्छा कौन सा सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव घाना पक्षी विहार और डेजर्ट नेशनल पार्क, पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी और रामगढ़ टाइगर रिजर्व, ये सब राजस्थान में है। एक क्वेश्चन ये है कि इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 17 अगस्त को। जी हाँ 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया स्वतंत्र हुआ था, इसीलिए हर साल 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। ठीक है क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 5G स्पेक्ट्रम के लिए दूर संचार विभाग को किस कंपनी ने 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। हाल ही में अभी किस कंपनी ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, तो एयरटेल ने अभी दूर संचार विभाग को 8,312.4 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है जी एयरटेल का, 1995 में स्थापना हुई थी, गोपाल विट्ठल इसके CEO हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बताया था आपको। और आपको बताया था संतोष कुमार अभी कुलपति बने हैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, बताया था ना। और आपको ये भी बताया था मैंने, चलिए आगे चलते हैं। वैसे क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन CEO कौन बने हैं, यानी क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के जो CEO हैं यूनाइटेड नेशन के, वो कौन बने हैं, तो बने हैं साइमन स्टील। कौन बने हैं, साइमन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फिलीपींस की चौथी सामरिक वार्ता का आयोजन कहाँ होगा। भारत फिलीपींस की चौथे नंबर की सामरिक वार्ता का आयोजन कहाँ होगा, तो ये होगा सामरिक वार्ता का आयोजन फिलीपींस में ही होगा और मनीला में होगा। कहाँ, फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। और करेंसी क्या है फिलीपींस की, पैसो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विद्या स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना किसने शुरू की है। विद्या स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, तो विद्या स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है, ऑन व्हील्स परियोजना तो ये शुरू की है असम राज्य सरकार ने। देखिए गरीब बच्चे जो हैं उनको प्रारंभिक यानी प्राइमरी एजुकेशन देने के लिए ये विद्या स्कूल प्रारंभिक योजना यानी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अभी दूसरा वार्षिक रेंजर पुरस्कार किसको मिला है, ओरंग नेशनल पार्क को। ये सात नेशनल पार्क वाला तीसरे नंबर का राज्य है भारत का, पहला MP जहाँ 10 नेशनल पार्क है, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा 7 यहाँ है असम में औरंग। और इसके ये हो गया नामेरी, डिब्रू शाइकोवा, रायमोना, देहिंग पटकाई, काजीरंगा एक सिंह वाले गेंडे के लिए, और एक कौन सा रह गया, रायमोना हो गया, काजीरंगा हो गया, मानस हाथियों के लिए सात है ये। वैसे यहाँ वीर स्वर्ण नारी योजना ये बुनकरों के लिए शुरू की गई। और यहाँ पर 4 दिवसीय अम्बुवाची मेले का भी आयोजन हुआ था। ठीक है ना, कौन कौन से डांस हैं यहाँ, बागरुम्बा, बीहू, झुमरू और बागरुम्बा बीहू भूराल बागरुम्बा बीहू बीहू सॉरी बागरुम्बा बीहू भूराल और झुमरू ये डांस हैं। हेमंत विश्व कुमार शर्मा ये चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीश मुखी गवर्नर असम के भी और नागालैंड के भी, कैपिटल क्या है, दिसपुर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गुरुदेव रंधावा को भारतीय मूल के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। हाल ही में किस देश में भारतीय मूल के प्रतिनिधि के रूप में गुरु रंधावा को चुना गया है, तो जर्मनी। ये भारत के एक उद्यमी हैं गुरुदीप रंधावा, तो गुरुदीप रंधावा को अभी चुना गया है। क्या नाम है, गुरुदीप रंधावा, देव नहीं, गुरुदीप रंधावा। इन्हें अभी जर्मनी ने भारतीय मूल के प्रतिनिधि के रूप में चुना है। किसने, जर्मनी ने। क्या, किसको, गुरुदीप रंधावा को, और किसके,
भारतीय मूल के प्रतिनिधि के रूप में चुना है। अब ये बात जर्मनी की है तो फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर ये तो प्रेसिडेंट हैं, ओलाफ स्कॉल्च ये चांसलर हैं जर्मनी के, करेंसी यूरो है और कैपिटल बर्लिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वोस्टोक सैन्य अभ्यास में अभी कौन कौन शामिल हुआ है और किस देश में हुआ है, किस देश में आयोजित हुआ है? तो वोस्टोक सैन्य अभ्यास इसमें रूस, चीन, इंडिया शामिल हुए हैं और ये रशिया में ही आयोजित हुआ है। कौन सा? वोस्टोक। तो रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को और वोस्टोक नाम है इसका सैन्य अभ्यास का। तो कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट है, मिकाइल मित्सोतिन प्राइम मिनिस्टर हैं। और रशिया के बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, सरमत का और जिरकोन का, ये दोनों मिसाइल्स हैं, इनका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? रशिया ने। और मैंने बहुत से फैक्ट्स बताए हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सब कुछ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, दो दिन का सेशन था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी को प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्लू ब्लैक सम्मान से सम्मानित किस भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी के घर को, यानी उनको मिला है, उनके घर को मिला है, तो प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्लू ब्लैक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अभी लंदन में दादा भाई नौरू जी का घर है, दादा भाई नौरू जी, इनका आपने खूब नाम सुना होगा, ये बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर थे, इनको इनके घर को अभी सम्मानित किया गया है। किससे? ब्लू ब्लैक सम्मान से। किसको? किससे? ब्लू ब्लैक सम्मान। क्वेश्चन है, एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए पहली शाखा समर्पित, या एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? तो बेंगलुरु कर्नाटक, यानी कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में स्टार्टअप के लिए समर्पित शाखा खोली है, पहली शाखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। दिनेश कुमार खारा चेयरपर्सन है। 1955 में स्थापना हुई मुंबई में, जी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विसल आंटी बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने वाली योजना या एक प्रोग्राम किस बैंक ने शुरू किया है? तो विसल आंटी ये अनुराधा मेनन है, जिन्होंने टीवी पर लोला कुट्टी का किरदार निभाया था, ये इसका मेन फेस है। कौन सा? विसल आंटी। और ये बैंकिंग जितनी भी परियोजनाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनको मतलब जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की, यानी एक तरह का प्रोग्राम शुरू किया गया है, और ये शुरू किया है HDFC ने। किसने? HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC, ठीक है, बैंक ने। शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। 1994 में स्थापना हुई और 1994 मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी आसमान से दवाओं का प्रक्षेपण, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये पहल कहाँ शुरू हुई है? तो ये पहले तेलंगाना में शुरू हुई थी, लेकिन अब शुरू हुई है अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन के थ्रू मेडिसिन की डिलीवरी की जाएगी, आसमान से दवाओं का प्रक्षेपण, ये है ड्रोन के थ्रू मेडिसिन पहुंचाने वाली पहल, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, जो अब अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है, पहले तेलंगाना में हुई थी। ईटानगर कैपिटल है इसकी, करेंसी क्या है, सॉरी कैपिटल है ईटानगर, और चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD राज मिश्रा, याद रखना। क्वेश्चन है, 1000 मॉड्यूल आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किस राज्य ने किया है, या किस राज्य सरकार ने 1000 मॉड्यूल आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है ना? तो असम सरकार 1000 आंगनवाड़ी सेंटर्स बना रही है, मॉड्यूल आंगनवाड़ी सेंटर्स कितने? 1000। असम के फैक्ट्स मैंने अभी अभी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अम्मा और वात्सल्य योजना किस
राज्य सरकार ने शुरू की है अम्मा वात्सल्य योजना, तो ये सिक्किम राज्य सरकार ने शुरू की है। इनके बारे में ज़रा पढ़िए और मुझे बताइए क्या नाम है अम्मा वात्सल्य योजना, क्या है ये। वैसे सिक्किम ने शुरू की है। प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर हैं और जोरम थंगा गवर्नर हैं, कैपिटल गंगटोक हैं। दोस्तों क्यूसील को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि सारे अपडेट्स आपको मिलें डेली, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उतने ज़रूर शेयर किया करें, अच्छे कमेंट्स करें, अपना ख्याल रखें। इट्स मी बुशरा खान आपकी दोस्त। ओके गाइज, इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।